हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो अभी बारिश तो हो रही है सुबह से, लेकिन अभी निसर्ग साइक्लोन भी आने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। अभी तो इतनी हवा चल रही है, मेरे पूरे बाल उड़ रहे हैं। और ये बाल मैंने पंखा वंखा नहीं चलाया भाई, बाल तो ऐसे ही उड़ रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, पंखा भी अपने आप घूम रहा है। ये रूम का तो नहीं घूम रहा, हॉल का घूम रहा है, लेकिन अपने आप घूम रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। बाहर जो एसी लगाया है, अपने आप घूम रहा है उसका पंखा भी। यही है भाई, क्या करेंगे। तूफान में बस जिंदा बच जाए, इतना ही दुआ करते हैं, और क्या है। ठीक है, तो भाई मैं ये कह रहा था कि ये तूफान का नाम निसर्ग कौन रखता है यार। मतलब निसर्ग का इतना अच्छा फील आता है। मतलब जैसे ही बोलेगा कि मैं निसर्ग से अभी जुड़ना चाहता हूँ, या निसर्ग से मैं मिलना चाहता हूँ, तो ऐसा फील आता है कि यार ये नेचर से मिलेगा, ये यूनिवर्स से मिलेगा, ये एनवायरनमेंट में अपना थोड़ा मोबाइल को दूर रखेगा, लैपटॉप को दूर रख के थोड़ा काम करेगा, खुद को एक्सप्लोर करेगा, खुद को ढूंढेगा। लेकिन ये क्या है, निसर्ग एक तूफान का नाम है। मतलब अभी बुरी चीजों के भी अच्छे नाम, ऐसे अम्फान तूफान ऐसे ही नाम होने चाहिए। ये निसर्ग विसर्ग क्या है यार, कुछ भी नाम रखता है यार। देख रहे हो आप, हालत देख रहे हो आप, समझ रहा है ना। मतलब पर्दे देखो, ये पर्दे औकात से बाहर आके घूम रहे हैं लोग। देखो 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 इसको। और ये जो एसी के पंखे की मैं बात कर रहा था ना, मजाक नहीं कर रहा था भाई, मैं अपने आप घूम रहा है। क्योंकि अभी थोड़ा ओपन एरिया है हमारा, ज्यादा यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है, दूर है थोड़ा थोड़ा ओपन एरिया है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, ये है, समुन्दर भी 1 किलोमीटर ही है। मतलब तूफान आएगा तो हम लोग जाने वाले हैं भाई, कोई कोई वो मतलब दो राय नहीं है इस बात में कि हम लोग बच जाएंगे, हम लोग बच सकते हैं, अभी तो तूफान दूर है। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ इधर ही रहेगा तूफान। समुन्दर दिखाता हूँ मैं आपको, रुको एक मिनट। दिख रहा है भैया, दिख रहा है वो मंदिर के पीछे जो है ना, वो पानी पानी दिख रहा है, वो समुंदर है भाई। ऐसी नहीं बोल रहा मैं कुछ भी आपको, ठीक है। तो ये है मेरा रूममेट रजत, जिसको हम प्यार से मित्तल बुलाते हैं, क्योंकि इसका सरनेम मित्तल है। पता नहीं किस चीज की फोटो ले रहा है ये, तब से ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है भाई। देखो ये बंदा इतना कमाल है ना, ये बंदा देख रहे हो, इसकी शक्ल देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो इसको, देख रहे हो, ये बंदा ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब देखो भाई, फील देखो बंदे का, इमोशन देखो भाई। क्या मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। में भी कुछ लोग हैं जो अपनी कंपनी का काम कर रहे हैं। देख रहे हो, देख रहे हो इस बंदे की डेडिकेशन, देख रहे हो। बंदा कम से कम 50 साल तो रहेगा एलएनटी में, जब तक रिटायर नहीं हो जाता ना, कोई और कंपनी में रह ही नहीं सकता। ये बंदा एलएनटी में ही, एलएनटी के लिए ही बना है ये बंदा, समझ रहे हो आप। इतनी हवा चल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा, अब ऐसे पीछे हो जा रहा हूं मैं। बारिश का पानी यहीं तक गिरता है, पूरा
कि एक्सट्रीम होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो फिर टॉलरेट नहीं होगा। तो जिनका घर थोड़ा कच्चा है वो लोग का क्या हाल होगा होगा आज, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी कुछ 2:30 बज चुके हैं और 1 घंटे पहले लगभग मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा कंडीशन इम्प्रूव होगा, थोड़ा शांत हो जाएगा करके, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये और बढ़ गया है। पूरे मेरे रूम में पानी आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा विंडो पेन पे पूरा पानी, वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गए हैं, पूरे मेरी बालकनी में पूरा पानी बह रहा है, मेरे बेड पे भी पानी आ चुका है और मेरे रूम में भी काफी पानी आ चुका है। तो यही है अभी, शायद और बढ़ रहा है या और बढ़ेगा, ये कह नहीं सकता, लेट्स सी। तूफान तो चला गया है, बारिश धीरे धीरे आ रही है पर तूफान चला गया है और काफी खुश हूं मैं कि जिंदा बच गया। देखते हैं कल रात को भी आएगा शायद, कल दिन में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।